हर लोग घटती जा से बेटी पूरा जमाना आ गया, कुछ गर्भ बीच मरवाई जा, कुछ दहेज खा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? हम है सजनों, समाज इसका जिम्मेदार है। क्यों बेटी मर बेटम फर्क करते हैं? कुछ हमारे सोन का सोन है, उनके माध्यम से फर्क देखना कैसे नंबर एक पे क्या लिखा। जिसके घर में बेटा जमे, जिसके घर में बेटा जमे, उनके बाज थाली, जिसके घर में बेटी जमे, और फूटे हंडी कहानी, सोन बराबर होने चाहिए तम तज द्योरी तक उठा, कितना बड़ा कारोबार है, कितनी धन दौलत, कितने पीछे, लेकिन सन्नो संसार का वो नहीं देखते, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, भगवान कर्मानंद दया करे, बेटे की चाह में बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैसे नंबर दो पर कविराज ने समझाने की कोशिश करी, क्या लिखा? इतना गंदा पैसा कुपर मन को भाग गया,
20-25 साल तक बाप के घर पंगा माओगी, आगे शादी कर दी जाती, आगे शादी कर दी जाती, अगला परिवार संभालना, उनका घर सुधारना, और इसी तरह से बैल सारी जिंदगी उस जमींदार के खेत कमाओगा, और आखिर में उस जमींदार की लालसा 200-300-400-500 रुपए में कसाईया ने बेच देगा उसने। तो इसी प्रकार बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो दुनिया में दो गरीब बताए, एक बेटी एक बैल। और एक बात को ध्यान में रखना, बेटे की चाह में जो बेटी नंबर आओगा सुख नहीं पा सकता। कैसे नंबर चार पे क्या लिखना, लोगों का